अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम उमर है और मैं फैसलाबाद से बिलोंग करता हूँ। हमारे पास स्टेबलाइज़र आया है जी, जो कि पाकिस्तान की मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी है। लोग महंगे स्टेबलाइज़र, ब्रांडेड स्टेबलाइज़र, सर्वो स्टेबलाइज़र खरीदते हैं, क्योंकि उनकी जो क्वालिटी है वो इन स्टेबलाइज़र की निस्बत काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, देसी की निस्बत, लोकल मेड की निस्बत। कई लोग जापानी स्टेबलाइज़र खरीदते हैं, लेकिन अब उनको पैसे ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं जी 100 वोल्टेज वाला स्टेबलाइज़र, जिसकी इनपुट वोल्टेज 100 वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज 260 वोल्टेज है। इस स्टेबलाइज़र को ख़रीदने की सबसे बड़ी वजह ये है, जो कि ये कर सकता है ना देसी कर सकता है ना सर्वो उस चीज़ को कर सकता है। हमारे पास ये स्टेबलाइज़र है जी, लोग सर्वो स्टेबलाइज़र ख़रीदते हैं सबसे ज़्यादा ये वाले स्टेबलाइज़र, कि इसकी जो वोल्टेज की रेंज है 220 वोल्टेज एक्यूरेट होती है। लेकिन अब इस स्टेबलाइज़र की भी वोल्टेज रेंज एक्यूरेट है, ये आपको चेक करवाता हूँ मैं। ये देखें जी आप, स्टेबलाइज़र को हमने स्टार्ट किया है, 180 सेकंड का इसका टाइमर है, जो कि 3 मिनट का परफेक्ट एक्यूरेट टाइमर है। ये हमने नीचे रीसेट का स्विच दिया हुआ है, जो कि टाइमर को 5 सेकंड का कर देता है। 5 सेकंड के बाद इस स्टेबलाइज़र की जो आउटपुट है वो 220 वोल्टेज है, एक्यूरेट वोल्टेज है। इस स्टेबलाइज़र को बाय करने का सबसे बड़ा फीचर या सबसे बड़ा रीज़न इस स्टेबलाइज़र को बाय करने का ये है, आपको चेक करवाता हूँ बकायदा तौर के ऊपर। ये स्टेबलाइज़र लो वोल्टेज शट डाउन और हाई वोल्टेज शट डाउन के प्रोटेक्शन के साथ आता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके वापडा के वोल्टेज मौसमी ख़राबी की वजह से बहुत ज़्यादा आ जाएँ या बहुत कम आ जाएँ, जो कि स्टेबलाइज़र को बर्न करने की सबसे बड़ी वजह होती है, वो वजह को ख़त्म किया गया है। जब वापडा के वोल्टेज ज़्यादा आएंगे या कम आएंगे, ये स्टेबलाइज़र आउटपुट अपनी बंद कर देगा। मैं बकायदा तौर के ऊपर आपको चेक करवाता हूँ, ये वोल्टेज हम कम कर रहे हैं, ठीक है जी। ये हो गए जी हमारे 140, 120, ये 100 वोल्टेज हो गए हमारे पास, आउटपुट इसकी 220 है, ठीक है जी। जब स्टेबलाइज़र के वोल्टेज अब हम आपको कम करके दिखाते हैं जी, ये देखें जी, ये ले 70 वोल्टेज के ऊपर ये स्टेबलाइज़र शट डाउन हो चुका है, अपनी आउटपुट बंद कर चुका है। दूसरा स्टेबलाइज़र की हाई वोल्टेज की जो प्रोटेक्शन है, हाई वोल्टेज, वो भी आपको चेक करवाते हैं। जो ये सर्वो स्टेबलाइज़र है 260 वोल्टेज के ऊपर कवर नहीं करता, 260 के ऊपर इसके आउटपुट वोल्टेज 240 होते हैं। हमारा जो देसी बना होता है स्टेबलाइज़र, उसके भी हाई वोल्टेज को कोई पाकिस्तान में अभी तक कोई ऐसा स्टेबलाइज़र नहीं है जो हाई वोल्टेज को भी और लो वोल्टेज को भी एक साथ कंट्रोल करे या शट डाउन करे। ये देखें जी हमारे पास, अभी हम वोल्टेज ज़्यादा कर रहे हैं, ये 230 हो गए हैं, आउटपुट इसकी 220 है। ये लें जी 250 के ऊपर इसकी आउटपुट 220 है, और अगर हम जैसे इसको ज़्यादा करते हैं, ये लें जी 280 के ऊपर, ये भी ये ऑटो आउटपुट जो है शट डाउन कर देता है, आउटपुट ऑफ़ कर देता है, जिसकी वजह से ना आपकी कोई फ्रिज चलेगी, ना आपका कोई कंप्यूटर चलेगा, ना कोई कैमरा, ना कोई LCD। ये स्टेबलाइज़र आप LCD को लगा सकते हैं, कैमरे को लगा सकते हैं, सेंसिटिव चीज़ों को लगा सकते हैं। जौन सी चीज़ों के ऊपर आप सर्वो लगाते थे, अब आप ये वाला स्टेबलाइज़र आराम सुकून से लगा सकते हैं। इसकी 1 ईयर की वारंटी है, और ये मुकम्मल तौर के ऊपर कापर के अंदर बना हुआ है, और हाई को आप लोगों को मिलते हैं। और अगर आप लोगों ने इस स्टेबलाइज़र को बाय करना है, इस स्टेबलाइज़र के अंदर 3-4 वोल्टेज की रेंज होती है, 160 वोल्टेज वाला स्टेबलाइज़र है, 130 वोल्टेज वाला स्टेबलाइज़र है, 100 वोल्टेज वाला ये वाला स्टेबलाइज़र है, और इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो 80 वोल्टेज वाली आएगी, जो कि स्टेबलाइज़र एक्यूरेट 80 वोल्टेज से वर्क करेगा, और वो भी कापर में होगा। परचेज़ करना है आप लोगों ने तो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहा है, आप लोग कॉल करें, और सोशल मीडिया के लिंक्स भी आप लोगों को मिल जाएंगे, आप सोशल मीडिया के ऊपर भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई करूंगा। और इस स्टेबलाइज़र को हम पूरे पाकिस्तान के अंदर बेच सकते हैं, TCS भी करवा सकते हैं, लीपर्ड कुरियर भी करवा सकते हैं, उसके बाद हम वैगन बस वगैरह में भी रखा सकते हैं, और बिल्टी भी करवा सकते हैं। आप लोगों को पूरे पाकिस्तान के अंदर ये स्टेबलाइज़र मिल जाएगा, ईजीली मिलेगा। इसके अंदर हमारे पास AC वाले स्टेबलाइज़र भी मौजूद होते हैं, और पूरे घर के ऊपर जो लगते हैं स्टेबलाइज़र वो भी मौजूद होते हैं, उसकी रेंज भी यही है, 160 वोल्टेज, 130 वोल्टेज, 100 वोल्टेज और 80 वोल्टेज। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है, इस वीडियो को शेयर लाजमी करें। अगर बाय करना है आप लोगों ने स्टेबलाइज़र, मुझे कॉल करें, या आप लोग मुझे सोशल मीडिया के ऊपर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर,
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।